हेलो हेलो, मैं आ रहा हूँ क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ। तो भाई कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है जाके देख लेना। सिरेमिक कोटिंग के दो पार्ट बना चुका हूँ, पार्ट वन पार्ट टू डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिसके अंदर पहले के अंदर हमने करी थी रबिंग पॉलिशिंग और सेकंड के अंदर हमने करी थी डिटेलिंग का काम, जो कि इंजन के आसपास का सारा जो एरिया साफ करना था वो सारा शॉकर डिस्क पैड और सब कुछ हमने जो है टायर वायर साफ कर दिए थे कल। आज जो है आज करेंगे सिरेमिक कोटिंग। क्या क्या जो है प्रोसीजर रहने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं बाइक म्यूटर्स। और ऐसा लग रहा है कैमरा थोड़ा सा ना दूर हो गया, कैन लेंस भी गंदा हो रहा है शायद। हाँ तो भाई हो गया लेंस भी साफ। और मैं आपको बताने वाला था कि भाई किस तरीके से सारे काम हम करने वाले हैं आज, तो मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जो चैनल पर नए आए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। काफी अच्छा अच्छा कंटेंट मैं बना के देने वाला हूँ आप लोगों को। और यार फटाफट नीचे चलते हैं, मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ। और इसके बाद एक Q&A सेशन करेंगे। क्वेश्चन सारे जो भी माइंड में आ रहे हैं यार डिस्क्रिप्शन कमेंट डाउन करके छोड़ दो। मैं आपको जो प्रॉपर Q&A की वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर प्रॉपरली सारी चीजें जो मैं आपको बता दूंगा, तो आप टेंशन मत लेना। और सारा आपको बताऊंगा क्या ये 1800-1200 रुपए जो भी आप खर्च कर रहे हो आपके वर्थ है कि नहीं है। तो नीचे जा रहा हूँ मैं, नीचे आ जाओ यार कितनी देर ऊपर। तो भाई आज के काम के लिए चाहिए हमको थिनर, जो कि आप देखो मैं दिखा चुका हूँ फर्स्ट सीरीज में, और सिरेमिक कोटिंग की बोतल। अभी मेरे को देखना है इन दोनों में से मैंने कौन सी खोली थी, क्योंकि आपको दिखाने के लिए मैंने एक खोल दी थी। एक चाहिए ये बिल्कुल माइक चश्मा साफ करने वाला कपड़ा, माइक्रोफाइबर या कुछ भी कह सकते हैं इसको। एक चाहिए ट्राइपॉड अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो, ठीक है। ये चाहिए ये अप्लाई करने के लिए, थिनर अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म चाहिए। फॉर्म मैंने बड़ा वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थिनर एक बार में आ जा रहा है, तो मैं इसको छोटा कर दूंगा काट के। तो जितना मेरे को चाहिए मैं उतना यूज़ करूंगा। और एक और चाहिए माइक्रोफाइबर सिरेमिक कोटिंग साफ करने के लिए। ध्यान रहे इसको मैं वॉश कर चुका हूँ, बस इसका कलर थोड़ा फेड हो रखा है, इसको मैं वॉश कर चुका हूँ। ध्यान रहे इसके अंदर डस्ट ना हो, अगर डस्ट है तो इसको झाड़ सकते हैं। तो अभी ये सारा काम मैं दिखाता हूँ। फिलहाल देखो भाई बाइक को, मेरे DB कलर के अंदर हो रही है भाई रस्टिंग, इसको करना पड़ेगा पेंट या कोई जुगाड़। तो आप देख सकते हैं ये रहा, और बाकी सब कुछ बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये देखें बिल्कुल भी मिट्टी विट्टी कुछ नहीं है इसके अंदर अब रह गई, ये देखो। और ये देखो, ये तो मैं अभी थिनर से साफ करूंगा। ये जो हमारा नेल पेंट था ये सारा मैंने कल ध्यान दिया नहीं, ये बहकर यहाँ आ गया है, तो ये मैं अभी साफ करूंगा। जब थिनर से पूरी क्लीनिंग करूंगा तो थिनर में हो जाएगा ये। और थिनर से जब साफ करोगे तो यार एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप थिनर से साफ कर रहे हो, जहाँ भी आपने नेल पेंट अप्लाई करा है संभाल के, तो वहाँ ज़्यादा थिनर यूज़ मत करना क्योंकि वो फिर आपको निकल सकता है। ये देख लो पूरा क्लीन हो चुका है यहाँ से भी। तो अभी बस ये थोड़ा सा जो है ये मैं अभी क्लीन कर दूंगा। और फिलहाल देख लें भाई सब कुछ क्लीन है यहाँ पर, और टायर पे भी गिर गया थोड़ा सा अभी देखा, तो ये सब भी कर लेंगे। बस टायर पे अभी भी थोड़ा सा ये डस्ट है मैं जो फील कर पा रहा हूँ, इसको थिनर से साफ़ कर लेंगे। अभी मैं फ़िलहाल टायर पे ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी लेटरिंग करूँगा वाइट, तो उस टाइम फिर से मेहनत करनी पड़ेगी टायर पे। और सिरेमिक कोटिंग करने के बाद वीडियो बनाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो फिर से दोबारा गंदा ही होना इसने, तो इसलिए मैं इस पर अभी मेहनत कर नहीं रहा हूँ। इस पर मैं थोड़े टाइम में मेहनत करूँगा कल परसों में, तो ये दोबारा से मैं क्लीनिंग करने वाला हूँ इनकी। फिलहाल ये सारा जो है वाइट वाइट ये सारा वैक्स का है, और ये साफ़ हो जाएगा जब हम पॉलिश करेंगे। तो अभी शुरू करता हूँ मैं थिनर से क्लीन करके। तो अभी इसको इससे जो है मैं बाइक साफ करूँगा। और फिलहाल मैं देख लेता हूँ मैंने सिरेमिक कोटिंग कौन सी वाली खोली थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं है सिरेमिक कोटिंग कौन सी खोली हुई है मैंने। तो ये तो मेरे को सील लग रही है, ये सील है शायद। दूसरी वाली चेक कर लेते हैं, दूसरी वाली ओपन है क्या? हाँ ये वाली ओपन थी, तो इससे भी करना है हमने। देख सकते हैं ये कैसा है, इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा। तो अभी इसको बंद कर देता हूँ और थिनर से साफ करना शुरू करते हैं। फोम बौखला चुका है, फोम बड़ा हो रहा है, पता नहीं यहाँ से टाइट है और ये बड़ा हो गया यहाँ पे डालते ही, पता नहीं क्या हुआ और उसका कलर भी निकलने लगा है। ये वाला पैनल मैंने बिल्कुल जो है थिनर से साफ कर लिया, और एक बार हाथ से भी साफ कर रहा हूँ कि मिट्टी विट्टी हट जाए, और मेरे को कोई चिकनाहट अभी तो लगने रही। और अब इसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग करूंगा। और ये पीछे का जो एक पार्ट है, ये पीछे का टेल वाला, ये भी मैंने क्लीन कर लिया है। सिरेमिक कोटिंग अप्लाई करने के लिए भाई इस कपड़े को 4 पार्ट्स में फोल्ड कर रहा हूँ, सॉरी 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में ऐसे फोल्ड कर लूँगा। और उसके बाद इसकी कैप ओपन करनी है और इसके ऊपर थोड़ा सा डालना है। थ्री फोर ड्रॉप्स मैंने डाले,
भाई मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, सिरेमिक कोटिंग में यहाँ पर कांच देख सकते हैं, इस पर हल्का सा जो है मेरी बॉडी हीट से जम गया था, मैंने थोड़ा सा तोड़ के हटाया और मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैं एक एक पार्ट करके नहीं करूँगा, मैं जस्ट एक पार्ट करा भी दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट है सिंगल कोटिंग के बाद। तो अभी एक ही पार्ट करा यहाँ वाला और रिजल्ट देखता हूँ। यू कैन सी कि यहाँ पर एक है डॉट, अभी एक मिनट फोकस ले दो इसको, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये जो वाइट वाइट है ये सिरेमिक कोटिंग है, ये तो लिक्विड ग्लास है ये, जैसा कि बॉटल पे लिखा था। और अब ये कांच हाथ में घुस सकता है नहीं घुस सकता पता नहीं, बट इसको मैं हटा देता हूँ। फिनिशिंग देख लो भाई, ऑलमोस्ट मैं तो यही बोलूँगा कि सिंगल कोट में जो है स्वेल मार्क्स सारे के सारे गायब हो गए, मतलब सारे गायब हो गए भाई सिंगल कोट में ही। तो मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि इतना ज़बरदस्त जो है रिजल्ट आएगा। अभी डबल कोट ट्रिपल कोट के बाद तो पता नहीं क्या ही होगा, बट अभी सिंगल कोट में काफ़ी सही रिजल्ट है। तो मैं सारी कोटिंग कर लेता हूँ, आपने देख लिया सिंपल तरीके से, बस लगाना है और लेयर बनती हुई चली जाएगी इसके ऊपर। और इस पर हाथ ना लगाए, मैंने गलती करी है अभी, तो इसके मैं दो ऑपोजिट साइड से इसको क्लीन कर देता हूँ एक बारी, क्योंकि आप हाथ लगाएंगे थंब प्रिंट आ जाएंगे उसके ऊपर, फिर वो परमानेंट हो जाएंगे, उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है। अभी देख सकते हैं कि इस पर पीछे यहाँ पर इस बॉडी पर तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस थे, तो स्क्रैचेस मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर है एक, बट ऑलमोस्ट जो है कवर कर दिया, काफ़ी कुछ इसने कवर कर दिया, थ्री कोट के बाद तो ऑलमोस्ट ये कर देगा। तो देखते हैं कोट कर करके कि क्या होता है इसके साथ, और फिलहाल के लिए मैं पूरी बाइक करता हूँ पहले थिनर से साफ, और उसके बाद इसको दिखाता हूँ आपको। भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि थिनर जो है वो फोम को खा रहा है, फोम को काट रहा है, तो मैंने अपने लिए दूसरा वाला फोम ले आया हूँ, ये मोटे वाला। वो जो मैं फोम लाया था वो उतना कुछ अच्छा लग नहीं रहा, अभी इसको मैंने यूज़ नहीं करा है, पहले जो है मैं इस फॉर्म से कर रहा हूँ ताकि सारी मिट्टी जो है थिनर निकाल दे, उसके बाद मैं उस वाले फॉर्म से अप्लाई करूँगा ताकि बिल्कुल जो है क्लीन सरफेस हमको मिल जाए। तो फिलहाल ऐसे मैंने पूरा ये छोटा करके इसको ऐसे दबा के पूरा थिनर से क्लीन कर रहा हूँ। थिनर की बहुत ज़्यादा स्मेल जो है आ रही है, और मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसने अच्छे वाले फॉर्म को भी नहीं छोड़ा, अच्छे वाले फॉर्म को भी जो इसने काट दिया यहाँ से, और इसका ये पैडिंग भी उतरने लगी है क्योंकि ये चिपकी हुई होती है इससे, और ये उखड़ने के बाद ये बहुत मुलायम मुलायम सा कुछ लग रहा है इसके ऊपर, शायद इसकी ये क्रीम या बैग जो भी होती है वो भी। थिनर के बाद फोम फैलने लगा है और थिनर की स्मेल से मेरे को नशे हो रहे हैं। तो भाई जो पूछ रहे थे कि मैट पे सिरेमिक करने से क्या होगा, तो मैट पे सिरेमिक करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे ये मैट ब्लैक है, ये ब्लैक हो गया ना, तो ये शाइनी ब्लैक रहा और ना ही ये मैट ब्लैक रहा, ये कुछ और बन गया है। तो वैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, बट इसको बचाना बहुत मुश्किल था, उसके लिए टेपिंग करनी पड़ती, बट मैंने कहा कोई नहीं, ऐसा लगेगा कि हमेशा इस पर पॉलिश लगी रहेगी, तो मैंने इसको भी कर डाला। डिफरेंस देख लो, ये है कोटेड, डिफरेंस देख लो, ये है कोटेड जो है कोट कर चुके हैं इसके ऊपर हम एक सिंगल, और ये देखो, और ये है अनकोटेड, तो इस पर जो है इतना शाइन नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ कि बिल्कुल कोट करते ही क्या होता है, इसमें भी थोड़ा सा है, जस्ट सैंपल दिखा रहा हूँ मैं एक, तो लो देखो, ये ऊपर का जो हाफ है ये अनकोटेड है और ये कोटेड है, तो भाई डिफरेंस आपके सामने देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। ये देखो यहाँ पर ये जो स्क्रैच है इसको कवर करके देखते हैं, सिंगल कोट में तो ये नहीं होगा, बट ये रहा अभी भी दिख रहा है थोड़ा सा, तो सिंगल कोट में तो नहीं होगा, बट ट्रिपल कोट के बाद शायद ये हो जाए, तो चलो देखते हैं। तो भाई ऐसा रिजल्ट है फर्स्ट कोट के बाद, यू कैन सी। भाई मैंने यहाँ पर भी कोटिंग करी है, देखो ये बिल्कुल जो है ब्लैक ब्लैक हो गया सारा, तो मैंने कर दी, मेरा मन करा मैंने कर दी, बाकी आप अब आपका मन है कि आपका मन करे तो भाई करना मत करना। बाकी जो सेकंड कोट थर्ड कोट करने वाले हो तो भाई हर कोटिंग के बीच में हाफ आवर का जो है ब्रेक लेना है, फर्स्ट कोट होने के बाद हाफ आवर, सेकंड कोट होने के बाद हाफ आवर, थर्ड कोट होने के बाद हाफ आवर, इनकेस अगर आपके पास बच जाता है तो फोर्थ कोट हो जाएगा। अब मैंने रिव्यू में देखा था कि उसकी बाइक ये तीन कोट कर पाया था, बंदे ने रिव्यू में लिख रखा था कि मेरी बाइक पे तीन कोट हुए हैं, तो मेरे को लगा मेरी बाइक पे भी तीन कोट होंगे, बाकी जितने भी होंगे मैं आपको बताऊंगा, और अगर बच जाता है तो एक आधा और करेंगे। और फिलहाल के लिए अलॉय व्हील्स की जो रिम रिम की बाउंड्री होती है, खाली बाउंड्री, तो बाउंड्री बाउंड्री भी करेंगे क्योंकि उस पर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जो है जम जाती है। फिलहाल बिल्कुल सही हो गया ये, खाली यहाँ पर जो पहले ऑलरेडी स्टिकर लगा हुआ था वो वाला स्टिकर मैं ले आया हूँ, वो लगाऊंगा यहाँ पर, और अभी ये भी काफ़ी सही जो है लग रहा है, इसके ऊपर कार्बन फाइबर करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और बताओ कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस देखना चाहते हो,
और अभी इंजन नहीं करना सिरेमिक कोटिंग, मैं पहले बता दूं, जो भी पार्ट गर्म होते हैं उस पर सिरेमिक कोटिंग नहीं करनी है, जो मैट कलर के पार्ट्स हैं ब्लैक प्लास्टिक है उस पर नहीं करनी है। ये मेरा मन था, मैंने कर दिया देखने के लिए, इनकेस अगर नेक्स्ट टाइम ये वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, कुछ भी होता है, सिरेमिक कोटिंग इस पर से हट जाती है, तो वो मैं देखूँगा कि इसका क्या करना है। बट फिलहाल के लिए मत करना, सिर्फ शाइनी सरफेस है जो वो करो, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है कि मैं कर रहा हूँ। भाई तो मैं काम खत्म करके आ चुका हूँ, मैंने दो ही कोट करे क्योंकि यार कोटिंग शायद सूख नहीं रही थी या क्या था, मैं देख रहा था वो चीज सूख नहीं रही थी, तो मैंने उसको एज इट इज छोड़ दिया। मैं कल कंटिन्यू करूंगा, उसके लिए कपड़ा और लेना पड़ेगा चश्मा साफ करने वाला, क्योंकि मेरे पास एक ही बचा हुआ था। तो मैं वही कह रहा हूँ अगर कोटिंग ना सूखे तो भाई रुक जाओ, अगले दिन भी कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको अगले दिन मिलता हूँ सुबह और फिर डिटेल में बताऊंगा कि सूखने के बाद कैसी जो है कोटिंग लग रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ऑयल लगा रखा है पूरी बाइक के ऊपर, तो वही चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, इसलिए मैंने थर्ड कोट नहीं करा। मैंने कहा पहले कोटिंग सूख जाए एटलीस्ट, फिर जो है कंटिन्यू करेंगे। तो एक कपड़ा और लेकर आऊंगा कल मैं और कोटिंग शुरू करता हूँ, सुबह मिलता हूँ सीधा। हाँ तो भाई नेक्स्ट डे आ चुका है और मैं अभी एक कोट कर चुका हूँ, कल दो कोट करे थे जैसा कि मैंने कहा था कि मैं दो कोटिंग करने के बाद जा रहा हूँ, क्योंकि वो सूख नहीं रहा था और अब वो सूख चुका था, तो मैंने करा थर्ड कोट। अब मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ कि भाई अगर आप कोटिंग सही से नहीं करते हो, थोड़ी बहुत भी गलतियां करते हो अपनी चीज के साथ, तो क्या होगा, क्योंकि मेरा एक पैनल ऑलमोस्ट जो है कह सकता हूँ कि खराब होने की कगार पे आ चुका था। उसके ऊपर जस्ट अभी मैं चौथा कोट कराया कि भाई वो थोड़ा सा ठीक हो जाए अपनी जगह पे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा भाई, जिन लोगों की न्यू बाइक्स है तो भाई वो किसी प्रोफेशनल से करा लो बेटर है, या आप वीडियोस देख के समझ सकते हो तो बेटर है, आप अगर कर सकते हो, कॉन्फिडेंट हो तो ही काम करना न्यू बाइक्स के साथ, कॉन्फिडेंट नहीं हो तो भाई मत करना, क्योंकि चीज़ आप खराब कर सकते हो अपनी। और न्यू बाइक ऑलरेडी शाइनी होती है, उसके ऊपर 19-20 भी थोड़ी सी गलती हुई, जैसे मेरा हाथ लग गया था उस पैनल को रखते टाइम, तो मैंने सोचा इस पर मैं हल्का सा दोबारा कपड़ा मार देता हूँ, बट कपड़ा मारने में हो गई थी काफ़ी ज़्यादा देर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था सिरेमिक कोटिंग करने के बाद आपको कपड़ा मारना 10-12-15 सेकंड टूटने के बाद, ऑलमोस्ट उस पैनल को पड़े पड़े 1.5-2 मिनट हो चुके थे, आधी से ज़्यादा सिरेमिक कोटिंग उसकी जो है ड्राई हो चुकी थी। उसके बाद कपड़ा मारने की वजह से हुआ क्या कि पैनल बिल्कुल मैट टाइप का हो गया और शाइनिंग चली गई उसकी। तो जस्ट अभी मैं उसके ऊपर कोटिंग कर रहा था और देख रहा था कि कैसे ठीक हो सकता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इन केस कहीं पे सिरेमिक कोटिंग इकट्ठा हो जाती है तो क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसा कि उसी सेम पैनल के ऊपर हुआ है, सिरेमिक कोटिंग भी एक जगह पे आकर इकट्ठा हो गई। तो भाई लोग जो दिल्ली से अगर चाहते हैं सिरेमिक कोटिंग कराना तो मेरे से करा लेना। जो मैंने अपनी कॉस्टिंग रखी है भाई वो 3000 रुपीज रखी है फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है आरएस गणेश, उसका यूट्यूब चैनल है भाई, जाके देख सकते हो। तो उस भाई ने कमेंट डाउन करा था कि भाई अगर कंक्लूजन क्या आ रहा है मेरे को बताना, अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपसे ही करा लूंगा। तो मेरे को इस चीज का आइडिया है, क्योंकि यार वो बंदा चाहता है कि अगर मेरे से करा ले, क्योंकि मार्केट प्राइस यू नो 10,000-12,000 के आसपास है, मैं उनके जैसा प्रोफेशनल नहीं हूँ, सेम चीजें यूज नहीं करूंगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर पैसे लगाने के बाद बाइक के अंदर शाइन आती तो यार वो वर्थ है। बाकी तो कंक्लूजन में आप देखेंगे कल के पार्ट में, क्योंकि आज के पार्ट में तो अभी सिर्फ सिरेमिक कोटिंग करने वाले हैं, जैसा कि मैं कर रहा था कल, जो कि आप ऑलरेडी अभी पीछे वीडियो में देख चुके हो 2-4 मिनट पहले। तो भाई वो सारी चीजें करने के बाद जिस दिन कंक्लूजन करेंगे उस दिन मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि मैं सिरेमिक कोटिंग किसी व्हीकल की करूंगा या नहीं करूंगा, या फिर आपको भी करनी चाहिए अपने घर पे या नहीं करनी चाहिए कि भाई बाहर जाकर ही कराओ, क्योंकि सारी चीजों में मगजमारी करना यार सही नहीं है। ये देखने में तो चीजें काफी ज्यादा आसान लगती है, वीडियो में देख लिया कि हाँ काफी ज्यादा सिंपल है, बट वो एक्चुअली नहीं होती। फिलहाल के लिए भाई जब वो पैनल खराब हुआ था तो मेरे को लगा था कि भाई गया अब हो गया सीन, शुक्र है ये किसी मेजर पार्ट के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि पैनल तो मैं नया भी ले आऊंगा या कुछ ना कुछ जुगाड़ उसका मैं कर ही देता, पेंट करा देता, रीपेंट करा देता, कुछ कर देता, शुक्र है मेजर पार्ट पे नहीं हुआ। बट जो भी है भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे जाके पैनल की क्या कंडीशन है और क्या चीजें हैं। अब 3 कोट कर चुके हैं, अब 4th कोट करेंगे और देखते हैं कि एट द एंड क्या जो है रिजल्ट मिलता है हमको। कंक्लूजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, कल के दिन एक और वीडियो मिलेगी आपको कंक्लूजन की, मैं बाहर जाके शूट करूंगा बाइक किस तरीके की लग रही है और क्या लग रही है। और भाई टायर की जो बात है, टायर अभी मैंने प्रॉपरली कुछ भी नहीं करा टायर का, क्योंकि भाई टायर के अंदर जो है मिट्टी है अभी फिलहाल भी थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे को फिर से अभी बाहर जाऊंगा जब वीडियो शूट करने के लिए मिट्टी लग जाएगी टायर पे, फिर मेरे को दोबारा सारी मिट्टी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी मैं लेटरिंग है उसको व्हाइट करने वाला हूँ, जैसे कि MRF जैपर लिखा है उसको व्हाइट करेंगे, तो उसके लिए टायर को फिर से वॉश करना पड़ता है। इस चीज के लिए जो है मैंने छोड़ दिया फिलहाल के लिए, मैंने कहा इसको बाद में ही करते हैं। तो अभी मैं फिलहाल जाके सीधा आपको पैनल दिखाता हूँ कि किस कंडीशन में। तो इस वाले पैनल की मैं बात कर रहा था, पैनल दिखाता हूँ, ये देखो अभी तो ये फ्लैश की वजह से लग रहा है कि अच्छा खासा शाइन कर रहा है, बट ये बिल्कुल जो है मैट हो चुका था, और अभी भी हल्की फुल्की लाइनिंग्स अगर यहाँ देखेंगे तो लाइनिंग्स दिखेगी इसके ऊपर, ये लाइनिंग आ गई है इसके ऊपर, तो ये ऐसे हो गया था इसके साथ गलत, और ये जो है ये सिरेमिक कोटिंग यहाँ इकट्ठी हो गई है, ये देखो
और ये फिर से हाथ लग गया। तो ये हाथ लगने की वजह से देखो ये होता है, ये देखो ये चीज़ हुई थी एग्जैक्टली उस टाइम पर भी। तो अब ये तो इसको मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, या अभी इसके ऊपर एक कोट और करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या करना है। बाकी एक बार साफ़ करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। तो ये चीज़ नहीं हो रही साफ़, तो यही चीज़ मैं कह रहा था कि भाई ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये वाला पैनल देखो एक बारी, ये वाला पैनल ठीक है, इस वाले पैनल में कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं आए थे, तो ये वाला पैनल ठीक है बिल्कुल। और एज इट इज़ यहाँ पर भी दो पैनल है यहाँ पर, तो ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ सीधा टैंक, तो टैंक में देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। अभी चौथी कोटिंग करनी रह गई है, और यहाँ पर हल्का फुल्का जो है मैट फिनिश दिख रहा है, क्योंकि ये कोटिंग बिना रोशनी के मैं कर रहा था, तो यहाँ जो है एग्जैक्टली सही कोटिंग नहीं हो पाई। तो थोड़ा सा वो ये अभी चौथे कोट में कवर करेंगे, और मैं फोर्थ कोट करने के बाद दिखाता हूँ। टायर की जो है सिर्फ रिम रिम करने वाला हूँ मैं, सिर्फ रिम रिम पे करूँगा, क्योंकि यहीं जो है मेनली डस्ट आता है और उसकी वजह से जो है लुक ख़राब होती है। सो रिम रिम करूँगा सिर्फ। लास्ट कोट यहाँ पर, सिंगल कोट कर रहे हैं रिम पे, ज़्यादा कोटिंग नहीं करेंगे। सिरेमिक कोटिंग यहाँ ना वेस्ट करके हम अपने बॉडी पे लगाएंगे सारी जो सिरेमिक कोटिंग है। और कोटिंग से पहले मैंने उसको भी थिनर से साफ कर लिया था, और इस पे ज़्यादा सिरेमिक कोटिंग ना वेस्ट करके। भाई ये है फोर्थ कोट, फोर्थ कोट मैंने पूरा कर दिया, और आप देख सकते हैं कि शाइन आ गई है। मैं ये बोलूँगा कि यार सारे 12 मार्क्स तो गए नहीं है, बट जितना भी है काम जो है बेटर हो चुका है, फोर्थ कोटिंग हो चुकी है। और अभी उसके अंदर हिला के मैंने देखा था, मेरे को लग रहा है कि अभी भी एक कोटिंग और कर देगी वो बॉटल। तो यानी कि 5 कोटिंग हम ईजिली कर सकते हैं, जबकि मैंने अपने अलॉय व्हील के रिम्स भी करे हैं, और प्लस यहाँ पर भी करा है। ये जो थोड़े से प्लास्टिक पार्ट्स थे ये सारे मैंने कवर अप करे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 5 कोटिंग ये जो है कर सकती है, बट अभी पूरी करके देखते हैं। 5 होती है कि 4.5 पे ही ख़त्म हो जाती है। भाई पूरी 5 कोटिंग हो गई है उससे 50 ml की बोतल से। मेरे को लगा नहीं था कि ये 50 ml की बोतल जो है पूरी 5 कोटिंग कर पाएगी। 5 छोड़ो, मैंने तो 3 सोची थी, क्योंकि मैंने जो वीडियोस देखी थी उसमें 40 ml की बोतल ने शायद 3 कोटिंग ही करी थी, बिना किसी फाइबर पार्ट को इंक्लूड करे, बिना अलॉय व्हील्स को इंक्लूड करे। तो भाई इसने तो अलॉय व्हील भी मैंने सिंगल सिंगल कोट करा है, प्लास्टिक के पार्ट भी मैंने सिंगल कोट करे हैं, सिर्फ मैंने जो मेरा मीटर है उसको डबल कोट करा है। और पूरी बाइक जो पेंटेड वर्क है वो पूरा का पूरा मैं ऑलमोस्ट 5 बार कोट कर चुका हूँ, जिसके अंदर से एक पैनल 6 कोट हो चुका होगा, टैंक का आधा 6 कोट है, और जो एक पैनल था सीट के राइट वाला जहाँ पे नेल पेंट ने काम खराब कर दिया था उसका तो 6-7 कोट था। तो मतलब काफ़ी जो अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे सिरेमिक कोटिंग मिली थी काफ़ी सही थी। अब ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है, कल आपको फाइनल वर्क मिल जाएगा। कल की वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर वाला जो है हम सीरीज करने वाले हैं, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से पहले के पार्ट्स देख लेना, और कमेंट कर देना कोई भी क्वेश्चन मन में हो, वो मैं सीधा वीडियो के अंदर ही जवाब दूंगा, ताकि आपके जैसे और भी भाई लोग हैं जो हमारे, उनको एकदम से जो है सही जवाब मिल सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था यार, प्लीज वीडियो को देखते रहो, ऐसे ऐसे मैं कंटेंट बनाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और इसके पहले वाले पार्ट्स भी देख लेना भाई, अभी तक 2 ही पार्ट बनाए, ये 3rd पार्ट था। और ये सिरेमिक कोटिंग किसी ने मेरे से करवानी हो तो भाई मैंने जो सोचा अभी तक 3000 पर बाइक सोचा है, सारा मटेरियल मेरा रहेगा और मेहनत भी मेरी रहेगी। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो भाई वो भी कमेंट कर सकता है। आइडिया कहाँ से आया था वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और अभी फाइनली मैं ये काम करूंगा कि नहीं करूंगा ये तो मैं आपको सोचकर बताता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तक मैं बिल्कुल मन बना लूंगा, क्योंकि टाइम भी देखना है और सब कुछ देखना है और मटेरियल मंगाना भी पड़ेगा। तो चलो आज की वीडियो के लिए बाय बाय।